बैक टू द फ्यूचर 1985 में ये मूवी आई थी, इसका फर्स्ट पार्ट आया था। मैं आपसे इसके तीन पार्ट्स है, इसके तीनों पार्ट्स की मैं आपसे बात करूंगा, और तब मैंने ये नहीं देखी थी और ये अब की बार मैंने पहली बार देखी। और मुझे फ्रेंड्स ये मूवी की जो सीरीज है पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, तीनों ही बहुत पसंद आए। इट्स एन अमेजिंग मूवी, तीनों ही पार्ट्स, इसको मैं एक सीरीज की तरह मानूंगा और क्लासिकल है, इट्स ए क्लासिकल मूवी। और पहले तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तीनों पार्ट्स की मेरी रेटिंग्स भी थोड़ी अलग है। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे आपको स्टोरी पता ही होगी अगर आपने देखी, और जो नहीं देखी आप में से, तो ये एक टाइम मशीन पे बेस्ड है। इसमें हीरो है एक टीनेजर 16-17 साल का, और साथ में एक साइंटिस्ट जो उसका फ्रेंड है, वो एडल्ट है। तो जो साइंटिस्ट होता है वो एक ऐसी कार बनाता है जो टाइम मशीन का काम करती है, जिसमें बैठ के आप पास्ट में भी जा सकते हैं और फ्यूचर में भी जा सकते हैं। तो अब उस कार में जो साइंटिस्ट और ये टीनेजर हीरो, ये 30 साल पीछे चले जाते हैं, और फिर वहां पर उस टाइम में जाके फंस जाते हैं ये। वहां पर जो टीनेजर हीरो है वो अपने पेरेंट्स जो कि उस वक्त कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनसे उसकी मुलाकात होती है और उनके साथ वो स्टोरी में फंस जाता है। और कुछ इस तरीके से स्टोरी चलती है कि खुद हीरो का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है ये तो आपको मूवी में पता लगेगा। और इस मूवी में, ये कंप्लीट मूवी है जिसमें है तो ये साइंस फिक्शन, पर इसमें एक्शन भी है, रोमांस है, कॉमेडी है, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिल, सब कुछ है। इट्स ए कंप्लीट मूवी, एक मसाला मूवी है, एक क्लासिकल मूवी है। तो पहला पार्ट तो मुझे परफेक्ट लगा, कोई कमी नहीं लगी, और इसलिए मैं फर्स्ट पार्ट को तो रेटिंग्स दूंगा 5 out of 5। और हालांकि फर्स्ट पार्ट जहां खत्म होता है तो वहीं से सेकंड पार्ट शुरू होता है, और इसी तरह सेकंड पार्ट जहां खत्म होता है वहीं से थर्ड पार्ट शुरू होता है। पर फर्स्ट पार्ट को आप इंडिपेंडेंटली भी देख सकते हैं, जहां पर फर्स्ट पार्ट खत्म होता है तो वो अपने आप में एक कंप्लीट स्टोरी बन जाती है। तो फर्स्ट पार्ट तो मैं कहूंगा मस्ट वॉच है सबके लिए, जिन्होंने नहीं देखी, और आप ये फर्स्ट पार्ट तो जरूर देखिए, इट्स ए मस्ट वॉच। पहले दोनों पार्ट्स अमेजन प्राइम पे अवेलेबल है, और हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, पर थर्ड पार्ट का थोड़ा सा यहाँ पर चक्कर है। मैंने चेक किया, थर्ड पार्ट OTT पे कहीं भी नहीं है। हम नेट पे देखे तो ये गूगल पे, नेटफ्लिक्स पे दिखाता है, पर और साथ में अमेजन प्राइम भी, बट ये पहले थे नेटफ्लिक्स पे थर्ड पार्ट और अमेजन प्राइम पे, अब अवेलेबल नहीं है। तो थर्ड पार्ट सिर्फ यूट्यूब पे है, उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो भी एक कंप्लीट वीडियो में नहीं है, क्लिप्स में है, प्लेलिस्ट में डला हुआ है। और थर्ड पार्ट इंग्लिश में ही है विद इंग्लिश सबटाइटल्स, हिंदी में नहीं है, तो ये थोड़ा सा इसमें एक चक्कर है। और फिर हम सेकंड पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट से जैसे सेकंड पार्ट पे आप आते हैं, तो सेकंड पार्ट भी अच्छा है, बढ़िया है, पर मुझे फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में सेकंड पार्ट थोड़ा सा कम पसंद आया। वो इसलिए क्योंकि सेकंड पार्ट काफी कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट पार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है उसकी स्टोरी समझना, और हर कोई उसको एंजॉय कर सकता है। बट सेकंड पार्ट में फ्यूचर में चला जाता है अब हीरो और साइंटिस्ट, अब वो क्यों जाते हैं, 30 साल आगे चले जाते हैं, मजबूरी में उन्हें जाना पड़ता है, ये सब आपको मूवी में ही पता चलेगा। और उसमें फिर बहुत कुछ होता है, काफी उतार चढ़ाव आते हैं सेकंड पार्ट में, और मूवी कॉम्प्लेक्स ही हो जाती है। हालांकि इतनी भी नहीं है कि आप समझ ना सके, आप समझ जाएंगे, इंटरेस्टिंग है, लॉजिकल है, पर मे बी जो थोड़ा दिमाग लगाना चाहते हैं ये टाइम स्पेस को लेके, तो वो सेकंड पार्ट को ज्यादा एंजॉय करेंगे। और सेकंड पार्ट में थोड़ा एक्शन और स्पेशल इफेक्ट्स भी ज्यादा है, क्योंकि आप फ्यूचर में जब जा रहे हैं तो उस हिसाब से थोड़ा टेक्नोलॉजी भी ज्यादा एडवांस दिखाई है। तो सेकंड पार्ट को मैं रेटिंग थोड़ी कम दूंगा, सेकंड पार्ट को मैं रेटिंग दूंगा 4 out of 5। अब सेकंड पार्ट जहां खत्म होता है तो अगेन मैं, सेकंड पार्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं है, जहां वो खत्म होता है तो एक सस्पेंस वो छोड़ जाता है कि अब क्या होगा, और थर्ड पार्ट देखना एक कंपल्शन बन जाती है। और थर्ड पार्ट हालांकि इतना हिट नहीं किया था, पहले दो पार्ट इसके ज्यादा हिट गए थे, और शायद इसीलिए OTT में थर्ड पार्ट नहीं है, पहले दो पार्ट ही है। पर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, मुझे थर्ड पार्ट काफी पसंद आया, मुझे सेकंड पार्ट से ज्यादा अच्छा लगा थर्ड पार्ट। हालांकि फर्स्ट पार्ट जितना परफेक्ट तो नहीं कहूंगा, बट बेटर देन सेकंड पार्ट। तो अगर फर्स्ट पार्ट को मैं 5 out of 5 रेटिंग दे रहा हूँ, सेकंड को 4 out of 5,
तो थर्ड पार्ट को मैं रेटिंग दूंगा 4.5 out of 5। अब थर्ड पार्ट में क्या होता है कि 100 साल पीछे चले जाते हैं, जैसे ये मूवी का बेस जो है 1985 का है, मूवी भी 1985 में आई थी और मूवी में जो हीरो और साइंटिस्ट का बेस है जहां से वो शुरू करते हैं तो वो भी 1985 से दिखाया है, तो वो 1885 में उनको जाना पड़ता है। और क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा कुछ, वो सब आपको मूवी में पता चलेगा और वहां जाके अब क्या होता है तो ये सब आपको मूवी में पता चलेगा। तो जो उसकी लोकेशंस है पूरे 100 साल पहले का, एक सेट्स है और सीनरीज है, वो एक तो मुझे बड़ी मजेदार लगी। और रोमांटिक एंगल आ जाता है थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट का, तो वो सब भी बढ़िया लगा। एक्शन अलग किस्म का है थर्ड पार्ट में, उतना एडवांस नहीं है, थोड़ा रॉ टाइप का है क्योंकि 1885 का पूरा दिखाया है तो उस हिसाब से वहां उसका एक्शन है, पर मेरे को बढ़िया लगा 1885 का भी स्टोरी कंसेप्ट एक्शन प्रेजेंटेशन। सो ओवरऑल शुरू से लेके एंड तक पार्ट 1 to पार्ट 3 ये एक बढ़िया मूवी है। और पार्ट 3 पे मूवी एंड हो जाती है, दी एंड हो जाता है, इसके बाद कोई आगे पार्ट नहीं बनाया गया, वहां पे मूवी फिनिश हो जाती है। सो मेरे अकॉर्डिंग तो ये आपको जरूर देखनी चाहिए, अगर नहीं देखी, मैंने पहली बार देखी और मुझे काफी मजा आया, आई रियली एंजॉयड इट। इट्स ए क्लासिकल मूवी, वन ऑफ द क्लासिकल मूवीज जैसे हम कहते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट यू मस्ट वॉच।